लखनऊ बहुत ही पुराना शहर है और इसका इतिहास तो कई हज़ार साल पुराना है। बहुत पहले ये भगवान लक्ष्मण की राजधानी हुआ करती थी। फिर हज़ारों सालों में बहुत सारे फेरबदल आए, लोग आए बाहर से और बसते चले गए, सिटी का मॉडर्नाइजेशन होता चला गया। अभी इस शहर में डेवलपिंग रियल इस्टेट है, स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक खड़े हो चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं है लखनऊ में जो आपको नहीं मिलता है, जो इंडिया में नहीं मिलता होगा या दूसरे फॉरेन कंट्रियों में जो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो लखनऊ में नहीं है। इस समय आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, सिटी बहुत ही सेफ है, आपके बच्चे सेफ फील करते हैं। रोमेस्क लखनऊ में जब आई थी तो शहर का डेवलपमेंट का प्लान हो रहा था, कुछ नए तरीके से चीज़ों को बनाना था लखनऊ में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। ओमेस की एंट्री हुई थी यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल रिक्वायरमेंट जो शहर की हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो हाई राइज में ओमेक्स बहुत अच्छी है, आपको लखनऊ के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में ओमेक्स ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कि हम ओमेक्स का एक प्रोजेक्ट आया था ओमेक्स हाइट, उस प्रोजेक्ट को देख के बहुत सारे दूसरे डेवलपर्स ने भी सीखा और सोसाइटियों में वो चीज़ें दिया जो हम मेट्रो सिटीज़ में या किसी यूएस में या लंदन में एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें लखनऊ में आनी शुरू हो गई थी। मैं ओमेक्स के साथ जुड़ा हूँ एक्चुअली 2014 से। मेरे ही बेचे गए ओमेक्स के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पोजिशन में आ चुके हैं, लोग रह रहे हैं, मैं खुद भी ओमेक्स के ही किसी प्रोजेक्ट में रह भी रहा हूँ। तो सफ़र ये रहा कि हम बेचते गए, कस्टमर के साथ हमारे रिलेशन बनते गए, लोगों को पोजीशन मिल गया जिनको बेचा, अब वो उसमें रह रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने प्रॉफिट लेके जो निकले हैं आज वो और इन्वेस्ट करने के उसमें हैं। तो मेरा सफ़र अच्छा रहा है मैं इसके साथ हर लेवल पर। कंपनी बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रॉम फ्रंट डेस्क टू बैक डेस्क कहीं भी अगर देते हैं, फ्रॉम मार्केटिंग टू कॉमर्शियल टू अकाउंट, हर सेशन इनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कहीं आपको ये नहीं फील होता है कि आप कंसल्टेंसी है या आप आउटसाइडर हो, आपको हमेशा लगेगा कि आप पार्ट हैं उसके।